नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टॉक ट्रेडर्स मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में जो जानकारी हम देते हैं वो मैक्सिमम ETF के रिलेशन में है। सारी की सारी जीरो लॉस स्ट्रेटेजी को हम लोग डिस्कस करते हैं, किस तरीके से आप नए नए स्ट्रेटेजी यूज़ करके बाज़ार से पैसा खींच सकते हैं, उस बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं, ताकि आपका लंबे समय, अगर आप इस काम को करने के लिए आते हो लंबे समय, इस बात पे ज़रा जोर गौर कीजिएगा, तो आपका एक रुपए का भी लॉस नहीं हो, इस बात का हम लोग खास ख्याल रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज तारीख है 17 अप्रैल। आज बाज़ार में काफ़ी हलचल हुई ETF में। एक ऐतिहासिक दिन था जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए हुए हम लोग चल के डिस्कस करते हैं। जीरोधा के स्क्रीन की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप दिल से पैसा कमाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले, जिससे कि मेरी अगली वीडियोस आप तक जाती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का, क्या बाज़ार की स्थिति है उसको देखते हैं हम लोग। आज जो ETF में सबसे ज़्यादा हलचल हुई है वो है ITBs में और PSU बैंक बीज में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितनी हलचल हुई है। ITBs क्लोजिंग जो ओपन हुआ वो 5.5% डाउन ओपन हुआ, 5.50% डाउन में ओपन था, और क्लोजिंग होते होते भी उसने नियरली -4.77% पे उसने क्लोजिंग दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम कंपेयर करें तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लास्ट ईयर का, इस साल का नहीं, लास्ट ईयर का हाई 39.69 का था। आप लोग भली भांति से अवगत होंगे। और LTP जो आज क्लोज हुआ है वो ITBs का LTP क्लोजिंग प्राइस है आज का 28.18। ठीक है, 28.18 पे क्लोज हुआ है। तो अगर हम लोग हाई से कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के, तो ये क्लोज होने के बाद में -29% का फॉल है, जो कि सुबह 30 से भी ज़्यादा था। आज में 5.5% ITBs गिरा है। उसका रीज़न क्या है, थोड़ा सा हम लोग नॉलेज लेने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ITBs गिरा सबसे ज़्यादा इन्फोसिस की वजह से, क्योंकि इन्फोसिस बाज़ार खुलते ही आज 10-12% डाउन था। एक आर्टिकल भी आया हुआ है, अगर हम देखते हैं, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, व्हाई इन्फोसिस शेयर्स फेल नियरली 12% इन अर्ली ट्रेड आवर्स। 10 बजे बाज़ार खुलते ही 12% निफ्टी डाउन था। उसका रीज़न अगर आप देखेंगे, उसका रीज़न जानने का प्रयास करेंगे, तो रीज़न ये है, थर्सडे रिपोर्टेड Q4 results। ठीक है, थर्सडे को Q4 का रिजल्ट आया था, डिक्लेयरिंग डैट इट्स नेट प्रॉफिट रोज नियरली 8% टू 6128 करोड़। इसका जो प्रॉफिट है Q4 में, वो 8% का प्रॉफिट ही दिखाया गया है इन्फोसिस कंपनी के द्वारा, जो कि 6128 करोड़ का है। लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री से कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 16% का, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16% का प्रॉफिट इन्फोसिस ने हमेशा डिक्लेयर किया है, जो कि होता है 37,441 करोड़ का। ठीक है, 6128 करोड़ का इसने शो किया। तो एक ये रीज़न था कि रिटेलर्स जो हैं उनको एक्सपेक्टेशन कम रह गई कंपनी से। द कंपनी ऑल्सो फोरकास्ट वीकर फाइनेंशियल ग्रोथ दिस फाइनेंशियल ईयर एट 4-7%। दिस वुड बी द लोवेस्ट इन लास्ट 6 ईयर्स। ठीक है, लास्ट 6 सालों में कंपनी ने अभी जो फोरकास्ट किया है इस साल की फाइनेंशियल ग्रोथ, वो 4-7% का ही शो कर रहा है कंपनी, जिससे कि जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं या मे बी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं, वो अपना अपना माल बेच करके बाहर निकल रहे हैं, जिसके कारण जो है आज 12% का फॉल हुआ इसमें। और जैसा कि हम जानते हैं कि ITBs में 26.53% का कंट्रीब्यूशन है अकेले इन्फोसिस का। तो इन्फोसिस अगर 12% गिरता है तो 5% लाजमी है ITBs का गिरना। दूसरा जो शेयर गिरा इसमें, वो टेक महिंद्रा का शेयर गिरा, वो ITBs में
टेक मैं ग्राफ लगा देता हूँ ITBs का। टेक महिंद्रा का माइनस 5 से ज़्यादा शेयर गिरा है, माइनस 5.24% इसका फॉल हुआ है। LTI माइंडट्री एक कंपनी अच्छी कंपनी है, उसका भी माइनस 6% शेयर गिरा है ITBs में आज। इस कारण इतना ज़्यादा फॉल इसमें हमको देखने को मिला है। ये तो थी एक बैड न्यूज़, ठीक है। एक गुड न्यूज़ ये फ्रेंड्स कि आज PSU बैंक बीज में बहुत अच्छी मूवमेंट मिली, ठीक है। 3.55% PSU बैंक बीज ऊपर की तरफ भागा है। मैं इसका ग्राफ लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है, कि PSU बैंक बीज का आज क्या मूवमेंट रहा। देखिए फ्रेंड्स, आज 17 अप्रैल डेट है, ठीक है, यहाँ ओपनिंग हुआ और यहाँ से एकदम एलिवेटेड, जैसे रॉकेट चलता है उस हिसाब से इसकी मूवमेंट हुई है, ठीक है। मूवमेंट होने का रीज़न ये था कि कुछ चुनिंदा जो इसके बैंक्स हैं PSU बैंक्स में, उनमें बहुत अच्छी मूवमेंट हुई है। एक पंजाब एंड सिंध बैंक है, उसने आज 16% का ग्रोथ दिखाया है, 15.83। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 5.08% का ग्रोथ दिखाया है। इंडियन बैंक ने 7.82% का ग्रोथ दिखाया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 4.73 एंड यूको बैंक ने 4.36। तो ये बैंकों के मूवमेंट के कारण आज PSU बैंक में प्रॉफिट बुक करने का बहुत अच्छा मौका था। RSI भी बहुत अच्छा दिखा रहा है आज का, अगर देखते हैं तो 84 तक गया था RSI, ठीक है। तो ये मूवमेंट थी फ्रेंड्स, डे का देख लेते हैं एक बार RSI क्या है दोनों का। डे के हिसाब से 64 है, ठीक है। जो लोग 70-80 का वेट करते हैं अभी भी टाइम है, 65.38 का RSI शो कर रहा है। ITBs का एक बार RSI हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ये बेस्ट टाइम है अगर कोई ITBs में RSI वाली स्ट्रेटेजी यूज करना चाहते हैं। मेरे वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा चैनल पे, जिसमें कि हम अगर 1,00,000 रुपया है तो 25% तुरंत डाल देते हैं, 25,000 का खरीद लेते हैं, ये बेस्ट टाइम है एंट्री मारने के लिए। उसके बाद 75% पैसा अपने हाथ में रखते हैं, जिसको कि एक एक्सेल शीट के माध्यम से हम लोग उसको एवरेज आउट करते हैं और एवरेज आउट कर करके 3-4% प्रॉफिट लेके सारा माल एक साथ बेच के हम लोग बाहर आ जाते हैं। ये बेस्ट टाइम है करने का। या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर कोई है ITBs में तो यहाँ से आप एक्युमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं फेज मैनर में, बट 20% से ऊपर नहीं डालना है, 4-5 स्लॉट्स में पैसा डाल के रोकना है, उसको होल्ड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूं कि वीडियो से कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट करना ना भूलिएगा, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं प्लीज़ बताइए, मैं बना के आपको दूंगा। मिलते हैं अगले किसी नॉलेजफुल वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फ्रेंड्स।